संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पाइप एंड सिस्टम के पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर टेन तक किए थे, उसी प्रकार से आज क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दे जिससे आप लोगों को समय से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है तथा एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जाए जो 50 लीटर प्रति घंटे बाहर करता है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटे का समय लगता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। तो देखेंगे, आपको पता है कि एक पाइप है ए जो टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जो 10 घंटे में भर सकता है, ये भरता है, इसीलिए इसके सामने पॉजिटिव के साइन लगेगी। अब कह रहा है कि एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 50 लीटर पानी खाली करता है प्रति घंटा। मान लेते हैं बी जो खाली करता है कितना, तो 50 लीटर प्रति घंटा पानी को खाली करता है, 50 लीटर प्रति घंटा पानी को खाली करता है। तो कह रहा है कि तो अब टैंक को भरने में 15 घंटा लगता है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटा लगता है, यानी ए तो भर रहा है लेकिन बी खाली कर रहा है, तो इन लोगों को कितना समय लगता है, तो 15 घंटे का समय लगता है। तो आप देखेंगे कि इनका जो टोटल कैपेसिटी होगा टंकी का वो कितना होगा, तो आपको पता है 10 और 15 का लसन लेंगे तो 30 बनेगा। ये 30 यूनिट क्या है, ये 30 यूनिट टंकी का कैपेसिटी है। अब आप देखेंगे 10 घंटा में ये 30 यूनिट भरता है, तो एक घंटा में ये 3 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार से ए माइनस बी 15 घंटे में 30 यूनिट भरते हैं, तो एक घंटा में 2 यूनिट भरेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में कहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, तो इसका जो एफिशिएंसी निकलेगा वो भी पॉजिटिव में निकलेगा। दोबारा जब बोल रहा है कि तो अब टैंक को भरने में 15 घंटा लगता है, ये जो 15 घंटा लगता है तो अब भी जो एफिशिएंसी बनेगा वो भी इसका पॉजिटिव में बनेगा। अब आपको पता है कि ए का मान 3 है, ए माइनस बी का मान प्लस 2 है, जहां से बी का मान आप निकाल सकेंगे, कैसे निकाल सकेंगे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ए माइनस बी बराबर 2 है, पॉजिटिव का 2 है, जहां पे ए क्या था, 3 था। माइनस बी इज इक्वल टू 2 और माइनस बी बराबर 2 माइनस 3 और माइनस बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 1। अब आप देखेंगे माइनस बी का यानी बी जो था वो क्या था, वो एक आउटलेट था, वो एक आउटलेट था, वो एक निकासी पाइप था, वो उसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अब आपको बोला है टंकी का कैपेसिटी कितना है, तो टंकी का कैपेसिटी निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी, ये कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो क्या बनेगा, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका टाइम। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना था, 30 यूनिट का कैपेसिटी था और बी का जो यूनिट है एफिशिएंसी का वो 1 है, यानी जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 30 घंटे का लगेगा। अब आपको बताया है कि बी 1 घंटे में 50 लीटर पानी को खाली करता है, तो आप देखेंगे अगर बी 1 घंटे में 50 लीटर पानी निकालता है, तो आप देखेंगे कि 30 घंटे में कितना पानी निकालेगा, तो इधर भी हम लोग 30 से मल्टीप्लाई किए और इधर भी हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 लीटर का टोटल टैंक होगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में कहा था कि एक भरने वाला पाइप 10 घंटे में भर सकता है और एक खाली करने वाला पाइप है जो 50 लीटर प्रति घंटे पानी को खाली करता है, और जब दोनों, अब क्या कह रहा है कि अब टैंक को भरने में 15 घंटा लगता है, तो अब टैंक को यानी भरने वाला भरता है, खाली करने वाला करता है, और
भरने में 15 घंटा लगता है और भरता है इसीलिए पॉजिटिव का साइन। तो यहां से इसका यूनिट कितना निकलेगा, टोटल यूनिट कैपेसिटी ऑफ टैंक 30 यूनिट, जहां से ए का क्षमता 3 और ए माइनस बी का क्षमता 2, क्योंकि 15 दूनी का 30। अब बोला है कि ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा गया है कि देखेंगे क्वेश्चन में कहा है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटा लगता है, भरने में जो बात कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरने में जब कहेगा तो यहां पे साइन किसका हो जाएगा, यहां पे साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखेंगे क्वेश्चन में पॉजिटिव 2, आपको पता है ए का मान 3 था, बी माइनस में था और 2 पॉजिटिव में आया था, जहां से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1। आपको पता है कि टाइम निकालना है, तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशियंसी, कैपेसिटी कितना था 30 और एफिशिएंसी था 1, यानी 30 घंटा लगेगा केवल बी को, यानी बी 1 घंटे में 50 लीटर खाली करता है तो 30 घंटे में 150 लीटर खाली करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप भी 20 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए जो पानी को 28 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है और इनको तीनों मिलकर 12 मिनट में भरते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या है। सेम सा सवाल है लेकिन अब 3 पार्ट में है। तो कह रहा है कि एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। जो ए है वो कितने देर में भरता है, वो 15 मिनट में भरता है, ए 15 मिनट में भरता है, और बी जो है वो कितने मिनट में भरता है, तो बी भरता है 20 मिनट में। ए 15 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है। अब एक पाइप है सी जो खाली करता है, वो कितना लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है, तो ये 28 लीटर प्रति मिनट पानी को खाली करता है, 28 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। अब जब तीनों चल रहा है तो तीनों मिलकर 12 मिनट में भरते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों भर रहा था। तो ए प्लस बी माइनस सी जब चलता है तो कितने देर में भरता है, 12 मिनट में भरता है। अब आपको पता है कि हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा कैपेसिटी यूनिट प्राप्त होता है। तो तीनों को जब एलसीएम लेंगे तो हमारा टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना यूनिट पता चलेगा, वो 60 यूनिट पता चलेगा। जहां से ए 15 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो एक ही मिनट में 4 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार से जब बी पे आएंगे तो बी क्या कर रहा है, 60 यूनिट भर रहा है 20 मिनट में, तो एक यूनिट भरेगा 3 मिनट में। और ए बी सी 12 मिनट में भरता है, अगर 12 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो एक मिनट में क्या 5 यूनिट भरेगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा है कि जब तीनों मिलकर चलता है तो 12 मिनट में भरता है, तो भरता है तो प्लस, ये भी भर रहा था तो प्लस, ये भी भर रहा था तो प्लस। अब आप देखेंगे ए बी का क्षमता आपको पता है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर 5 दिया हुआ है पॉजिटिव का। यहां से ए का वैल्यू क्या है, तो 4 है, बी का वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस सी बराबर 5। जहां से माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7, और माइनस सी का वैल्यू -2 प्राप्त हो जाएगा। तो सी का जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, सी का एफिशिएंसी है, इसे हम लोग सी का क्षमता भी बोलते हैं। अगर हम सी का टाइम निकाले, क्योंकि हमें टाइम से पता करना पड़ेगा, तो अगर सी का हमें टाइम निकालना है तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सी का अगर टाइम निकालना है तो हम लोग को कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे। जब कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो देखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 2, माइनस को भूल जाइएगा,
क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो यहां से क्या आ रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है। अब आप देखेंगे कि सी को जो टाइम लग रहा है अकेले खाली करने में 30 मिनट का लग रहा है, क्वेश्चन में कहा था सी 28 लीटर पानी एक मिनट में खाली करता है, यानी 28 लीटर पानी कितने मिनट में खाली करता है, तो एक मिनट में खाली करता है। तो आप बताइए कि 30 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करेगा, तो जब यहां पे गुना करेंगे तो 30 और जब यहां पे गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24 और 3 दुनी का 6 7 8 840 लीटर टैंक का कैपेसिटी है जो 30 मिनट में सी खाली कर देगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करने से हम लोग को क्या होता है कि कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में और पाइप बी 20 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो 22 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर कर रहा है और अब टैंक 25 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। अब आप इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें जिससे आपको ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कर ले उसके बाद वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी दो पाइप है। ए भर रहा है कितने मिनट में, तो ए भर रहा है 10 मिनट में और बी कितने में भर रहा है, तो बी 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए, यानी सी एक पाइप है जो खाली करता है, वो कितना पानी खाली करता है, तो वो 22 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है, यानी 22 लीटर प्रति मिनट पानी वो खाली करता है। जब तीनों को अब 25 मिनट में भर जाता है, यानी ए प्लस बी माइनस सी जब करेंगे तो 25 मिनट में टैंक भर जाएगी। अब आप देखेंगे ये भी भर रहा था, ये भी भर रहा था, इसीलिए दोनों के पास पॉजिटिव का साइन। आपको पता है टंकी का जब कैपेसिटी निकालेंगे तो 10, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, जहां से कितना यूनिट आएगा, तो 100 यूनिट आएगा टंकी का कैपेसिटी। अब आप देखेंगे 10 मिनट में 100 यूनिट भरता है, तो एक मिनट में 10 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार से भी 20 मिनट में 100 यूनिट भरता है, तो एक मिनट में कितना यूनिट भरेगा, तो 5 यूनिट भरेगा। और जब ए बी सी मिलकर 25 मिनट में भरते हैं 100 यूनिट, तो एक मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, तो 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखेंगे ये भी भर रहा था और ये भी भर रहा था और ये भी भर रहा था, लास्ट लाइन में कहा गया देखिएगा कि 25 मिनट में भर रहा था। तो अब देखेंगे, आपको पता है ए का एफिशिएंसी 10 है, बी का 5 है और ए बी सी का 4 है, जहां से ए का मान क्या है, ए प्लस बी माइनस सी कितना निकला है, पॉजिटिव का 4 निकला है, क्योंकि ये भर रहा था। ए का मान क्या है 10, बी का मान क्या है 5 और सी का मान सी में माइनस प्लस 4, जहां से माइनस सी बराबर 4 माइनस 15। अब आप देखेंगे माइनस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 11। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, आपको पता है पहले सी का हम टाइम निकालेंगे, तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देंगे, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आपको पता है कैपेसिटी कितना था 100, डिवाइडेड बाय ये सी का एफिशिएंसी कितना था खाली करने का, 11 था, यानी 10 बटा 11 मिनट में सी टंकी को खाली करेगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी एक मिनट में 22 लीटर पानी खाली करता है, यानी सी एक मिनट में 22 लीटर पानी खाली करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 100 बटा 11 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करेगा, यानी 22
गुने 100/11, 11 × 22 यानी 200 लीटर पानी खाली करेगा, तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, तो टंकी का कैपेसिटी 200 लीटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर पाता है, एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर पाता है, एक भरने वाला पाइप हमने जोड़ दिया जो 5 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, अब टैंक को खाली होने में 18 घंटा लगते हैं। देखेंगे वहां पे भरने बोल रहा था, लास्ट में यहां बोल रहा है खाली करने में, तो देखेंगे क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को कितने घंटे में खाली करता है, तो 12 घंटे में खाली करता है। खाली करने वाले का एफिशिएंसी हमेशा माइनस में होगा। अब बोल रहा है कि एक भरने वाला पाइप खोल दिया जाए, यानी एक बी है जो भरता है, वो कितना भरता है, तो वो 5 लीटर प्रति मिनट क्या करता है, पानी को भरता है। ठीक है, 5 लीटर प्रति मिनट पानी को भरता है। तो अब कह रहा है अब टैंक को खाली होने में 18 घंटा लगता है, यानी ए तो खाली करता है और बी भरता है। ठीक है, तो क्या लगता है, 18 घंटे का समय लगता है क्या होने में, तो खाली होने में। अब आप देखेंगे 12 और 18 का जब एलसीएम लेंगे कैपेसिटी निकालने के लिए तो कितना होगा, तो 36 यूनिट का कैपेसिटी होगा। जहां से अगर ए 12 घंटे में 36 यूनिट खाली करता है तो एक घंटे में कितना करेगा, तो 3 यूनिट खाली करेगा, और ए माइनस ए प्लस बी 18 घंटा में अगर 36 यूनिट पानी खाली करते हैं तो एक घंटा में 2 यूनिट पानी खाली करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन में कहा था कि ए खाली करता है और जब दोनों मिलकर चलता है तो 18 घंटा में खाली करता है, यानी ये भी क्या होगा, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे आपको पता है कि माइनस ए प्लस बी बराबर कितना आया है, -2, जहां से ए क्या है -3, प्लस बी बराबर -2। अब आप देखेंगे प्लस बी इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 और प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, +1, जहां से बी का एफिशिएंसी क्या है, तो बी का एफिशिएंसी 1 है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि टाइम क्या लगेगा बी को, क्योंकि बी तो खाली कर रहा है 5 लीटर प्रति मिनट में, तो बी को जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, तो 36 कैपेसिटी डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है, यानी 36 घंटे का समय किसको लगेगा, तो 36 घंटे का समय बी को लगेगा क्या करने में, भरने में लगेगा। ठीक है, तो 36 घंटे का समय बी को लगेगा। अब देखेंगे कहा है कि बी 5 लीटर प्रति मिनट भरता है, यहां पे क्या है घंटा है, तो आपको निकालना है मिनट में, क्योंकि मिनट में निकालना है, घंटा दिया हुआ है, तो अगर इसको आप सेकंड में मिनट में निकालेंगे तो 36 × 60 करेंगे ना, अगर 36 × 60 करते हैं तो ये मिनट में निकल जाएगा, तो 6 × 36, 6 × 18 = 19, 20, 21, 2160 मिनट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी 5 लीटर 1 मिनट में निकालता है, बी 5 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तो आप बताइए 2160 मिनट में गुना किए 2160 से, तो कितना लीटर पानी भरेगा, तो यहां भी गुना करेंगे 2160 में, तो कितना प्राप्त होगा, तो 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 3 = 8 और 5 × 2 = 10, 0 के लिए 0, यानी 10,800 लीटर
जो है वो पानी भरेगा कौन, तो बी भरेगा, और इतना ही कैपेसिटी किसका है, तो टैंक का कैपेसिटी 10,800 लीटर का है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है, पाइप बी 15 मिनट में खाली कर देता है, एक भरने वाला पाइप लगा दिया जो 12 लीटर प्रति मिनट पानी डाल रहा है, अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, देखेंगे। कह रहा है कि दो पाइप है, पाइप ए किसी टैंकी को 12 मिनट में खाली कर सकते हैं, 12 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने वाले के सामने माइनस का साइन। अब कह रहा है कि बी 15 मिनट में खाली करता है, यानी बी जो है वो 15 मिनट में खाली करता है, यानी इसके सामने भी माइनस का साइन। अब कह रहा है कि एक भरने वाला पाइप लगा दिया जो 12 लीटर प्रति मिनट, यानी सी मान लेते हैं भरने वाला है वो 12 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। अब क्या कह रहा है, अब 20 मिनट में, अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाती है, यानी माइनस ए माइनस बी प्लस सी जब होता है तो क्या होता है, 20 मिनट में टैंक खाली हो जाती है। तो आपको पता है कि अगर हम कैपेसिटी निकाले तो क्या निकालेंगे, तो कैपेसिटी 60 हो जाएगा, जहां से ए 12 मिनट में 60 यूनिट पानी खाली करता है, तो एक मिनट में कितना करेगा, तो 5 यूनिट करेगा, और बी 15 मिनट में 60 यूनिट खाली करता है, तो एक मिनट में 4 यूनिट करेगा, और माइनस ए माइनस बी और प्लस सी 20 मिनट में 60 यूनिट पानी खाली करते हैं, तो एक मिनट में क्या 3 यूनिट पानी खाली करेंगे, तो ये भी खाली कर रहा था, ये भी खाली कर रहा था, और ये भी खाली कर रहा था। अब आप देखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी टोटल कितना है, माइनस 3 है, जहां से ए क्या है माइनस 5, बी क्या है माइनस 4, प्लस सी बराबर माइनस 3, यहां से अगर जोड़ेंगे तो माइनस 9 प्लस सी बराबर माइनस 3 और प्लस सी बराबर माइनस 3 प्लस 9 और प्लस सी बराबर क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा प्लस 6। तो सी का एफिशिएंसी जो आएगा वो 6 यूनिट का आएगा। अगर सी का हमें टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो सी का जब टाइम निकालेंगे तो सी का टाइम निकलेगा कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सी का जो टाइम लगेगा वो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो सी का टाइम निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कैपेसिटी कितना है, तो 60 यूनिट का है, और एफिशिएंसी सी का कितना है, तो 6 का है, यानी 10 मिनट में सी टंकी को भर देगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था कि सी 12 लीटर प्रति मिनट पानी को भरता है, सी जो है वो 12 लीटर प्रति मिनट पानी को भरता है, यानी एक मिनट में जो सी है वो एक मिनट में 12 लीटर पानी को भरता है। तो आप बताइए कि 10 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, तो यहां पे हम लोग इंटू 10 किए तो यहां भी हम लोग इंटू 10 करेंगे, तो 120 लीटर पानी भरेगा 10 मिनट में, ठीक है। तो 110 मिनट में 120 लीटर पानी भरेगा, और यही क्या हो जाएगा, टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 20 मिनट में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 1710 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है, तो टैंक 25 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता कितनी है। तो देखेंगे
कह रहा है कि एक पाइप है किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, यानी ए भरता है कितने मिनट में भाई? तो ए भरता है 10 मिनट में, बी भी जो है वो भरता है कितने मिनट में? तो दूसरा पाइप 20 मिनट में भर सकता है, यानी 20 मिनट में भर सकता है। अब जो सी है वो क्या करता है कि सी एक खाली करने वाला पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप सी नहीं किया हुआ है, जो 1710 लीटर पानी 1710 लीटर प्रति मिनट बाहर करता है, क्योंकि खाली निकालता है यानी खाली करता है। तो टैंक 25 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक 25 मिनट में खाली हो जाता है, 25 मिनट में खाली हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो 10, 20 और 25 का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 100 यूनिट का हो जाएगा। अब आप देखेंगे ए 10 मिनट में 100 यूनिट पानी भरता है, तो एक मिनट में क्या 10 यूनिट पानी भरेगा? दूसरे बात पे आते हैं, बी 20 मिनट में 100 यूनिट भरता है, तो एक मिनट में 5 यूनिट भरेगा। अब तीनों मिल जब जा रहा है तो 25 मिनट में क्या हो रहा है देखेंगे, 25 मिनट में खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25 मिनट में खाली हो जाता है। तो 25 मिनट में अगर 100 यूनिट खाली होता है तो एक मिनट में क्या 4 यूनिट खाली होगा? तो एक मिनट में 4 यूनिट खाली होगा। देखेंगे ये भर रहा था, ये भर रहा था, ये खाली हो रहा था। आपको पता है एक प्लस बी और माइनस सी था जो कितना था, -4 था, जहां से ए क्या हो जाएगा 10, बी क्या हो जाएगा +5 और सी क्या हो जाएगा -4। सी क्या हो जाएगा नहीं पता नहीं, बराबर -4। अब आप देखेंगे यहां पे क्या होगा 15 माइनस सी बराबर -4। अब यहां से माइनस सी बराबर -4 और -15। यहां से सी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी 19 प्राप्त होगा। अब आपको कहा है कि सी 1710 लीटर पानी प्रति मिनट खाली करता है, तो आप देखेंगे तो सी का जो टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो टाइम इज इक्वल टू, सबको पता है कि कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी 100 यूनिट 19 से खाली करेगा, यानी 100/19 क्या होगा मिनट में होगा, तो 100/19 मिनट लगेगा। आपको कहा है कि सी एक मिनट में 1710 लीटर पानी खाली करता है, सी जो है एक मिनट में 1710 लीटर पानी खाली करता है, तो आप बताइए कि 100/9 मिनट में, यानी एक में क्या गुना किए, तो 100/9 गुना किए। तो उसी प्रकार से यहां भी 100/19 को गुना करेंगे, 100/19 को गुना करेंगे तो 1710 गुने 100/19, तो 19 का 19 नवा 171 जीरो, यानी 9000 लीटर क्या है, कौन खाली करेगा, तो सी 9000 लीटर पानी खाली करेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 12.5 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 8 सही 1/3 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए जो एक मिनट में 162 लीटर पानी बाहर कर सकता है, बाहर करता है, तो अब टैंक 4 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है? तो देखेंगे कह रहा है कि जो ए है वो 12.5 मिनट में क्या करता है, 12.5 मिनट में भरता है, और जो बी है वो क्या करता है 8 सही 1/3 मिनट में जो बी है वो भी भरता है। अब क्या कह रहा है कि एक खाली करने वाला पाइप है,
यानी खाली करने वाला पाइप जो है वो सी, वो क्या करता है एक मिनट में 162 लीटर पानी खाली करता है। तो अब टैंक को 4 मिनट में, अब टैंक 4 मिनट में खाली हो जाता है, यानी ए पॉजिटिव है, बी भरता है और सी खाली करता है। तो कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसको, इसको हम इधर लिख देते हैं। अगर इसको करेंगे तो 12 दुनी का 24 एक 25 बटा दो, इसे करेंगे तो 8 तिहाई 24 एक 25 बटा 3, और इसे करेंगे तो 4, ये तो 4 था ही। अब बताइए अगर 25 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 100 यूनिट आएगा क्या? अब जहां से ए का भर रहा था वो 25 बटा 2 मिनट में, बी भर रहा था 25 बटा 3 मिनट में, और सी, ए बी और माइनस सी 4 मिनट में भर रहा था, यानी 25 चौका 100 और 4 दुनी का 8 भरेगा, 8 क्षमता से भरेगा। उसी प्रकार से 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12 क्षमता से भी भरेगा। और जो ए प्लस बी और माइनस सी था, इसमें क्या कहा है? 4 मिनट में खाली हो जाता है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कितना होगा? तो 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25 क्षमता होगा। अब आप देख पाएंगे कि ए भरता है, बी भरता है, ए प्लस बी माइनस सी खाली करता है, यानी ए कितना था? ए प्लस बी माइनस सी बराबर -25। अब आप देखेंगे कि ए का मान क्या है? तो 8, बी का मान क्या है? 12, माइनस सी -25, जहां से ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस सी बराबर -25 और माइनस सी बराबर -25 -20, यानी माइनस सी बराबर 45 आ जाएगा। तो माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस सी बराबर 45 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी मतलब अगर 1 मिनट में 162 लीटर पानी खाली करता है तो बताइए कि सी का -45। अब जब सी का टाइम पूछेगा तो सी का टाइम क्या होगा? तो सी का टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टाइम निकालेंगे, कैपेसिटी कितना था? 100, और क्या एफिशिएंसी कितना था? तो 45 था। तो अब देखेंगे जब इसे हम लोग काटेंगे तो 5 नवा 45 और 5 20 यानी 20 बटा 9 क्या जाएगा? तो मिनट आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा है 1 मिनट में 162 लीटर पानी को खाली करता है, यानी 1 मिनट में 162 लीटर पानी खाली करता है कौन? तो सी, यानी 20 बटा 9 मिनट में। तो 20 बटा 9 मिनट में यानी गुना किससे किए? तो 20 बटा 9 से गुना किए, तो यहां भी गुना करेंगे 20 बटा 9 से। तो 162 गुने 20 बटा 9, तो 9 एकम 9 क्या बच जाएगा? 60। तो 9 8 जा 72, 18 दुनी के 36 यानी सी 360 लीटर पानी कौन खाली करेगा? सी, यानी कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा? 360 लीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है तथा दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक भरने वाला पाइप लगा दिया जाए जो 91 लीटर पानी प्रति मिनट भर सकता है और टैंक 10 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है?
तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा पाइप जो है बी वो क्या करता है, वो भी 20 मिनट में खाली कर देता है, और तीसरा जो पाइप है वो सी है वो क्या करता है, भरता है, वो कितना भरता है, वो 91 लीटर पानी भरता है प्रति प्रति मिनट, वो 91 लीटर पानी भरता है प्रति मिनट। अब क्या कह रहा है कि और टैंक 10 मिनट में भर जाता है, यानी ये भी खाली कर रहा था, तो a माइनस बी और प्लस सी क्या हो रहा है, तो ये है 10 मिनट में। तो आप देख पाएंगे अगर हम सबका क्या करेंगे तो 15, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300 यूनिट। जब 300 यूनिट आ जाएगा तो ए 15 मिनट में 300 यूनिट खाली करता है, तो एक मिनट में कितना खाली करेगा, तो आप बोलेंगे कि एक मिनट में 20 यूनिट पानी खाली करेगा। बी जो है वो 20 मिनट में 300 यूनिट खाली करता है, तो एक मिनट में बी करेगा 15 यूनिट। अब a माइनस बी और प्लस सी 10 मिनट में क्या करता है, भरता है, 10 मिनट में 300 यूनिट भरता है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, तो एक मिनट में 30 यूनिट भरेगा। ये भी खाली कर रहा था, ये भी खाली कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, भर रहा था। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी माइनस सी कितना दिया हुआ है, -a - b + c आपका 30 है, जहां से माइनस ए क्या था 20 और b क्या था 15 प्लस सी बराबर 30। अब जोड़ेंगे इनको तो -35 - 35 प्लस सी बराबर 30, तो प्लस सी बराबर क्या होगा, ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा, तो 30 + 35 बनेगा ना, तो कितना आ जाएगा सी का एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 65। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि टाइम निकालना है सी का, तो सी का टाइम कैसे निकालेंगे, तो सी का टाइम निकालने के लिए हम लोग फिर से कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो क्या होगा, 300 / 65, 5 × 5 = 15 और 5 × 6 = 30, यानी 60/13 मिनट आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि सी 91 लीटर प्रति मिनट भर रहा था, यानी एक मिनट में सी कितना भर रहा था, तो 91 लीटर भर रहा था, यानी 60/13 मिनट में कितना भरेगा, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60/13 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 60/13 से, तो 91 × 60/13, तो 13 × 7 = 91, 7 × 6 = 42, यानी 420 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक पाइप किसी टैंक को 14 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप 16 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो लीक पूरे टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, एक पाइप किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है,
दूसरा पाइप 16 घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में भर सकता है, यानी ए भी भरता है और बी भी भरता है, ठीक। अब कहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक होने के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगता है। देखेंगे, यानी टोटल कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो वो कितना यूनिट का होगा, तो आपको 14 और 16 का निकालने में दिक्कत है। आप देखेंगे 7, 2, 8 और 2, यानी 8 × 7 × 2 होगा। अब देखेंगे 14 बनता है 7 × 2 से, इतना यूनिट है। अब 14 किससे बनता है 7 × 2 से, यानी क्या बचा 8, यानी ए 8 यूनिट पानी भरेगा, बी 16 है तो 8 × 16 यानी 7, बी 7 यूनिट पानी भरेगा। अब आपसे अगर पूछेगा कि टाइम कितना लगता है दोनों को मिलकर, ए प्लस बी को मिलकर टाइम कितना लगता है, तो आप देखेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी कितना था, कैपेसिटी था 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 112, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना था दोनों का मिलकर, तो 8 और 7 = 15 था, यानी 15 से इसे भाग लगाएंगे तो आप देख पाएंगे, अगर 15 से इसे भाग लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है 112, यानी 15 × 7 = 105, यानी क्या बच गया यहां पर 7, यानी 7 × 7/15 क्या है, ये वाला घंटा में है। अगर इसे हम मिनट में बनाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, तो क्या करेंगे 7/15 × 60 करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा 15 × 60, यानी 7 घंटा 28 मिनट। अब 7 घंटा 28 मिनट कब लगता है, जब ए और बी मिलकर चलते हैं, लेकिन लीक होने के कारण, देखेंगे क्वेश्चन में कहा है लेकिन लीक होने के कारण 32 मिनट और एक्स्ट्रा लगता है, तो इसमें क्या करेंगे 32 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 8, 9, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60 मिनट, यानी 7 घंटा 7 मिनट, टोटल कितना घंटा हो जाएगा भाई, तो ये 8 घंटा हो जाएगा ना, टोटल 8 घंटा हो जाएगा, ये टोटल 8 घंटा हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि जब लीक होने के कारण 8 घंटे का समय लगता है, यानी ए भरता है, बी भी भरता है और सी खाली करता है, तो 8 घंटे का समय लगता है, ए भरता है, बी भी भरता है और सी खाली करता है, तो 8 घंटे का समय लगता है। अब इस 8 को भी इसके साथ हम कर देंगे, तो आप बताइए अगर ए प्लस ए में था, प्लस बी में था, माइनस सी में था, अब 14, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, 7 और 2 ही आएगा। अब 8 तो कॉमन है ही है, तो 7 × 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 8, 7 और 14 आ जाएगा इसका। अब आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये जब 7.5 मिनट में क्या कहा है 32 मिनट में और लगता है, कि क्या करने में 32 मिनट ज्यादा लगता है भरने में, यानी ये भी पॉजिटिव। अब आप देखेंगे यहां पर हमारा एक ए प्लस बी माइनस सी बराबर 14 था, जहां से ए क्या था 8, बी क्या था 7 और सी बराबर 14, तो माइनस सी ये क्या था 8, 7, 15 = 14, जहां से C का जो एफिशिएंसी निकलेगा मेरे भाई वो क्या निकलेगा, अगर ये जाएगा तो 1 − C = 1, यानी C का जो एफिशिएंसी आया वो कितना आया, तो -1 आया, C का जो एफिशिएंसी वो -1 आया, तो C का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो C का जो टाइम लगेगा आपको पता है, टाइम निकालने के लिए हम लोग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करते हैं, तो सी का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी कितना था 8 × 7 × 2 था, यानी 8 × 2 और × 7 था, और इसका एफिशिएंसी कितना है 1 है, यानी 1, यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि लीक पूरी टंकी को खाली कर देगा,
खाली कर सकता है, यानी आपसे टाइम पूछा है कितने समय में, तो एक से जब भाग लगाएंगे तो यही होगा, यानी 112 मिनट में, 112 घंटे में सी जो है वो टंकी को पूर्ण रूप से खाली कर देगा। इस क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए 14 घंटे में भरता है, बी 16 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर काम करता है। तो आप देखेंगे अगर एलसीएम लेंगे तो 8 × 7 × 2 आएगा, जहां से 14 लाने के लिए 7 × 14 आ गया, यानी 8 बचा तो 8 इसकी क्षमता, बी 8 × 7 × 2 था, 16 लाने के लिए 8 × 2 = 16, यानी 7 बच गया तो 7। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर चलता है, तो दोनों मिलकर चलता है तो कंबाइंड एफिशिएंसी 15 आ जाएगा, जहां से कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो 7 घंटा 28 मिनट लगता है। अब कह रहा है कि लीक होने के कारण 32 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी ये एक्स्ट्रा जो लगता है वो 32 मिनट का लगता है, यानी 7 घंटा 28 मिनट में हम लोग 32 जोड़ देंगे, यानी 7 घंटा 60 मिनट, यानी इसको हम लोग 8 घंटा लिख दिए। अब देखेंगे कि जब तीनों मिलकर चल रहा है तो प्लस ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना लग रहा है अभी बताएं, 8 घंटे का समय लग रहा है, यानी 14, 16 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, 8, 7 और 12, 8, 7 और 2, ठीक है। तो जब हमको पता है कि ए बी का एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, अब प्लस ए प्लस बी माइनस सी का करेंगे तो 8 तो कॉमन आ गया, 7 × 14 में भरेगा, जहां से सी का क्षमता हम लोग निकालेंगे -1। अब आपसे पूछा है कितने देर में सी खाली करेगा, तो आपको पता है टाइम निकालने के लिए कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी कितना था, 8 × 7 × 2, 8 × 2 × 7 या चाहे 8 × 7 × 2 / 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 112 घंटा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर यह है कि कह रहा है कि दो पाइप एक हॉज को अलग अलग 5 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तथा हॉज के तल में एक छिद्र होने के कारण हॉज को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए जब हॉज भरी हुई हो तो छिद्र हॉज को कितने समय में खाली करेगा। सेम सा क्वेश्चन है 19 नंबर की तरफ, आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। तो देखेंगे दो पाइप एक हॉज को अलग अलग, यानी ए है और बी है, ये भी भरता है ये भी भरता है, ए जो है वो 5 घंटे में भरता है और जो बी है वो 20 घंटे में भरता है। तो जो टंकी का कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का लसा होगा, यानी 20 यूनिट का होगा, जहां से ए अगर 5 घंटे में 20 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, और बी 20 घंटे में 20 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा। अब देखेंगे जब दोनों मिलकर कंबाइंड एफिशिएंसी से करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा, 4 और 1 = 5। तो देखेंगे तो ए और बी का बोथ का कंबाइंड टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकलेगा कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी कितना है, 20 का है, और इसको 5 के क्षमता से करेगा तो 5 × 20, यानी 4 घंटे का समय लगेगा, यानी 4 घंटे का समय लगेगा जब दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो। लेकिन लीक होने के कारण 1 घंटा और अधिक लगता है, लीक होने के कारण 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कितना घंटे का लगा। तो जब तीनों मिलकर कर रहा है, यानी ए क्या कर रहा है, ए 5 घंटे में भर रहा है, बी कितने घंटे में भर रहा है, तो बी 20 घंटे में भर रहा है, ये भी भर रहा था ये भी भर रहा था,
और प्लस ए प्लस बी माइनस सी क्या कर रहा है, वो 5 घंटे में भर रहा है। तो देखेंगे अगर सॉल्व करेंगे इन सबको तो कितना यूनिट आएगा, तो ये भी 20 यूनिट का ही आएगा। ठीक है, तो ए 5 घंटे में भरता है यानी 4, ए का 4, बी इसका 1, और इसका क्या होगा, इसका भी 4 आएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ए प्लस बी माइनस सी क्या था, 4 था ना, जहां से ए क्या था, ए था 4, बी क्या था 1, माइनस सी बराबर 4। यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस सी बराबर 4, तो माइनस सी क्या आ जाएगा हमारा, तो माइनस सी आ जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस सी आ जाएगा 1। आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ज्ञात कीजिए कि जब हौज भरी हुई हो तो छिद्र हौज को कितने समय में खाली कर देगा, यानी आपसे सी का टाइम पूछ रहा है। तो टाइम क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो कैपेसिटी कितना था, तो कैपेसिटी था 20 यूनिट का, और कौन कर रहा है, तो सी कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से, एक एफिशिएंसी से, यानी 20 घंटे का समय किसको लगेगा, तो सी को लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट।